जाट केवल एक जाति ही नहीं, जाट एक विचारधारा भी है। विश्व की महानतम जाट संस्कृति का दिव्य दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। श्री वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी मकराना की ओर से 10 सितंबर 2019 को आयोजित जाट समाज की तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह में स्कूली विद्यार्थियों, राजकीय सेवा में चयनित व्यक्तियों, राष्ट्रीय खिलाड़ियों और विशिष्ट प्रतिभाओं समेत 400 से अधिक प्रतिभाओं को मेडल, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई, जिन लोगों का जिस तरह से यहाँ सम्मान हो रहा था, जिन बच्चों का जिस तरह से सम्मान हो रहा था, उससे मुझे अब पूरी उम्मीद बन गई है कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी और सरकारी नौकरियां भविष्य में मिलने के क्षेत्र में भी, अपने क्षेत्र के लोगों का मार्गदर्शन करने के क्षेत्र में भी मकराना किसी से पीछे नहीं रहेगा। लेकिन अब जो युवा पीढ़ी आगे आ रही है और वो जो परसेंटेज गिना रही है 95%, 97%, 96%, तो अब मुझे भरोसा है कि सिर्फ इसी में आगे नहीं है, अब हम पढ़ाई में भी आगे रहेंगे कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें, स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसे प्रयास करें कि जो हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं वो आगे आके पढ़ सकें। समारोह में आए नागौर जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी और ओसियां तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रामेश्वर राम छाबा ने अपने ओजस्वी उद्बोधन से विद्यार्थियों को प्रेरित किया। And I want to tell you one thing, that you have got this brilliant marks. So this is your starting, just first level. You have to keep this standard always. You must keep it in your life, in your future. बच्चों हमें सीखना है, गलती से नहीं डरना है, आपको गर्वानी थोड़ा है लेकिन घमंड नहीं करना है, ईगो नहीं रखना है। यू मस्ट हैव विजन, आपका ड्रीम, आपका सपना, आपकी सोच, आपका टारगेट, आपका एम, आपका गोल, आप क्या करना चाहते हैं, यह हमें सोचना है। आप जाट हो, हमें गर्व है, जाट का डीएनए ऐसा होता है जिस सबसे ताकतवर सफल होने के आदर भाव, बड़ों का घर में, बूढ़े बड़ेरों का, हमें हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए बच्चों। आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हर समय बना रहना चाहिए, 24 घंटे को किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे इसका आपके पास में टाइम टेबल होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए तो निश्चित रूप से स्वीट मॉडर्न ने बोला है कि समय ऐसा होता है, ऐसे व्यक्ति की तरह होता है जिसके आगे पे बाल लटक रहे हैं, पीछे से खलवाट है, गंजा है, ये आते हुए को आपने पकड़ लिया, उसके बाल पकड़ लिए तो आप उनको अपने कब्जे में कर लोगे और कुछ हासिल करना चाहते हो हासिल कर लोगे। लेकिन यदि वो मुड़ गया, आपके हाथ से निकल गया, तो पीछे से चूंकि वो गंजा है, हाथ फेरते रह जाओगे, वक्त तो नहीं पकड़ पाओगे। जिनको देख डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, उन मौजों पे कश्ती चली आ रही कुछ दीवानों की, आपके अंदर एक दीवानगी होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हमें ये हासिल करके रहना है और आप करके रहेंगे। मकराना में आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में विधायक रूपाराम मुरावतिया, पूर्व विधायक श्रीराम भीचर, बिरदाराम चौधरी, पुलिस के पूर्व आईजी एवं श्री धन्ना देवाचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौधरी, जिला परिषद नागौर के सीईओ जवाहर चौधरी, ओसियां के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रामेश्वर राम छाबा, प्रमुख शिक्षाविद प्रेम सिंह पंडेल, बीआर मिर्धान कॉलेज नागौर के प्रोफेसर डॉक्टर सरोज भगोड़िया, जेडीए जोधपुर के एसई बीआर बेनीवाल, चित्तौड़गढ़ के जिला रसद अधिकारी शिवराम करीर, भूपेश बाजिया, रामचंद्र भगोड़िया, पुलिस अधिकारी रहे पूर्णराम चौधरी, अजमेर सेल टैक्स कमिश्नर के डिप्टी कमिश्नर गोकुलराम सांगवा, नागौर के उप जिला प्रमुख रमेश बुगालिया, मकराना के उप प्रधान ओंकार सिंह किरडोलिया समेत गणमान्य जन मौजूद रहे। जैसा हम ये समारोह प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, जिनकी नौकरी लगी उनका सम्मान करते हैं, तो ऐसे समारोह सचमुच में ही गौरवशाली समारोह है।
उम्र में कोई कम है, अध्यापक है, मैं उसको हृदय की गहराई में जाकर प्रणाम करता हूँ, उसको धोख देता हूँ। मेरे लिए सम्मानीय है, पूजनीय है, और मैं उनको प्रणाम करूं तो मुझे अपने आप को गर्व महसूस होता है। जब बुद्धिमान मिले, सकारात्मक सोच, परोपकार की सोच, सेवा की सोच रखते हैं, वो किसी भी तरह से ऐसे समारोह फेल नहीं होते हैं। कोशिश करना, जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करके इस समाज को आप और आगे ले जा सकते हैं। आपका नाम होना चाहिए कि उस समाज का आदमी है जो जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करता है। कार्यक्रम का मंच संचालन JVP मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम कीवाड़ा और शिक्षिका सुमन चौधरी ने किया। कि अगला में हीरा था कि बगला में हीरा, थे तो जद देखो जद हीरा ही हीरा। आज श्री वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी मकराना के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत देश का एक ब्लॉक स्तर का अपना दिव्य अनूठा कार्यक्रम लेकर आई है श्री वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी, जिसमें सैकड़ों प्रतिभाओं का सम्मान समारोह। आप सभी का हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। देश का नया कल संवारने को आतुर, अपनी सोच, अपने व्यक्तित्व को निखारने को आतुर ये बच्चे, आप इन बच्चों के लिए आप सभी का सत्संग, आपके अमूल्य वचन और आप सबकी सतत बहती अक्षत ऊर्जा इनके लिए वरदान साबित होती है। सितारों को मुट्ठी में बंद कर चांद से बात कर लेंगे, सूरज के तेवर छीन लेंगे, दहकते दिन को रात कर देंगे। आप सभी का साथ और गुरुजनों का सिर पर हाथ रहा, चाहे कोई समस्या आए हम दो दो हाथ कर लेंगे। वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी मकराना की तरफ से तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारी, गणमान्य नागरिकों और प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। इस समारोह में करीब 400 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और प्रोग्राम सफल रहा। उम्मीद करते हैं कि अगला जो कार्यक्रम होगा, सम्मान समारोह होगा, वो इससे भी अधिक सफल होगा। इस अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बारे में भी हरिराम कीवाड़ा ने संपूर्ण समाज से जुड़ने और योगदान करने का आह्वान किया। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के माध्यम से करने जा रहे हैं। अभी उसका प्रचार प्रसार विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है, तो निश्चित रूप से इसमें पूरे देश और दुनिया की हमारी जाट समाज की विशिष्ट उपलब्धियाँ, हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, डिग्निटीज हैं, वो सब एक मंच पर होंगे। दिसंबर में वो प्रस्तावित है, 22 दिसंबर को। निश्चित रूप से उसके लिए आप सबका आह्वान और अभिनंदन। श्री वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष बीरमाराम किरडोलिया, उपाध्यक्ष इंद्रराम बाबल, कोषाध्यक्ष हरिराम भीचर, सचिव गंगाराम चौधरी एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि समारोह में 10वीं और 12वीं कक्षा की 85% से अधिक अंक लाने वाले 150 विद्यार्थियों, राज्य की सेवा में चयनित होने वाली 225 प्रतिभाओं और 35 खिलाड़ियों के साथ 22 विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जिस किसी ने भी तन मन धन से अपना सहयोग दिया है, उन तमाम सहयोगियों का इस सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत आभार। मेहनत में ही सफलता की मिठास है। सफलता कोई सड़क पर नहीं मिलती है, सफलता की ड्रेस कोई दर्जी नहीं सिलता है। सफलता हासिल करने के लिए हमेशा कर्मों का तूफान पैदा करना पड़ता है, और जो इंसान अपने कर्म को सलाम करता है, दुनिया उसको सलाम करती है।
जूंझे से जोर बटे जूंझ जूंझ फिर जूंझ, संकल्पों का सोम पीतू पथ जाएगा सूझ। समारोह में सभी वक्ताओं ने सामाजिक रूप से एकजुटता बनाए रखने और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। वीर तेजा समाज कल्याण संस्था आज तीसरी बार जो है, पहली पो तो खुद ही जगह टीचर्स लोग है ही काम ने शुरू करो और बिके बाद में समाज का लोग उसी में आगे होया और आज जो है भी तरीका हूँ, आज जो तीसरा प्रोग्राम है, मैं आज लोगों ने संस्था का लोगों ने धन्यवाद दूँ जगह आज 90-95, 96-97% तक जो है आज नंबर ले रहा है। निश्चित तौर जो है आगे RS है, RPS है, IAS, IPS जो भी जो है गजेटेड अफसर के मायने आज लोगों की जिसकी इच्छा है भी कमान निश्चित तौर जो है पहुंची इनको दोहरा नहीं। ये मखराना के अंदर आपने ये एक जाट समाज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया और ये जो कमेटी बनी है, बहुत बहुत आपको ये धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने ये पहल की और इस प्रकार की ये संस्था बनाकर और लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया। और विशेष तौर से जो सम्मान समारोह होता है और जो सम्मान लेने वाले प्रतिभागी होते हैं, मतलब उनका एक सीना चौड़ा होता है कि भाई हमने ये पढ़ाई में या नौकरी में या सर्विस में ये काम किया, इसलिए हमको आज ये सम्मान मिला। और उनको देखकर जो दूसरे लोग भी हैं, दूसरे बच्चे भी हैं, उनका उत्साह भी बढ़ता है कि जो आज इनको मेडल मिला है, कल ये मेडल हम भी प्राप्त करें। तो विशेष तौर से ऐसी प्रतिभाओं का जो सम्मान किया जाता है, इससे ये लोगों को शिक्षा मिलती है। समिति के अध्यक्ष भीरमाराम किरडोलिया, कोषाध्यक्ष हरिराम भींचर, सचिव गंगाराम गोदारा, पूर्व सरपंच लच्छाराम राड़, समिति के उपाध्यक्ष इंद्रराम बाबल, पन्नाराम बिस्सु समेत गणमान्य समाज बंधु ने आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया और गंगाराम गोदारा ने समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी मकराना के तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हुए समस्त सम्मानित मंच और समस्त अतिथिगण और आसपास से पधारे हुए इस मकराना क्षेत्र के समस्त बुजुर्गों, माताओं, बहनों और सम्मानित होने वाली समस्त प्रतिभाओं को मैं इस सोसाइटी की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने यहां आकर हमारा मान बढ़ाया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सर्वांगीण उन्नयन हेतु कार्य करना एवं समाज में व्याप्त अंधविश्वास कुरीतियों के निवारण हेतु जन जागृति द्वारा समाज का उत्थान करना है। समारोह में आए भी प्रतिभावान विद्यार्थियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और इस प्रतिभा सम्मान समारोह को जीवन का श्रेष्ठ पल बताया। मैं यहाँ पर एज ए इंटरनेशनल प्लेयर आई हूँ जिनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं जाट एज ए जाट पैदा हुई हूँ। एंड सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू अपनी फैमिली को बोलना चाहूँगी एंड जाट कमेटी को स्पेशली, जिन्होंने इतना कुछ किया मेरे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए इतना कुछ किया इन्होंने। अमेरिकन फुटबॉल से मैं रिसेंटली USA की वेस्ट फ्लोरिडा में इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करके आई हूँ जिसकी 4th पोजीशन लगी है एंड मुझे वहाँ पर वर्ल्ड बेस्ट डिफेंसिव लाइनमैन का अवार्ड दिया गया है जो इंडिया से एज ए स्टार कैटेगरी में वहाँ सम्मानित किया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो हर स्कूल में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड होना चाहिए एंड सारे स्पोर्ट्स वहाँ पर होने चाहिए, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको वो करवाना चाहिए। इस अवसर पर समारोह में उच्च शिक्षा एवं जीवन में सफल होने के लिए BR मिर्धा कॉलेज के प्रोफेसर सरोज भगोड़िया और भूपेश बाजिया ने भी अपने जीवन के अनुभव साझा किए। अपने अंदर दृढ़ निश्चय बना के रखें कि हाँ मुझे जॉब करनी है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना पढ़ाया है, मैं खुद इतना मेहनत करके पढ़ी हूँ, मैं यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह में पुरस्कार जीता है मैंने, बस वो अपने अंदर दृढ़ निश्चय रखें तो वो पक्का एक न एक दिन सफल होती हैं। तो आपको हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहना है और जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ हमेशा उसको देखना है। ये अभी की उपलब्धि आपको प्रोत्साहित करती रहे ज़िंदगी भर, ये छोटी छोटी उपलब्धियाँ आपको प्रोत्साहित करती रहेंगी, बट जो आपका मेन लक्ष्य है, एक जॉब है, एक इनकम, समाज में आपकी रिस्पेक्ट, वो आपको जब तक ना मिले तब तक संतुष्ट नहीं होना। खुद को प्रेरणा और खुद को ही शाबाशी, यही सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है। अगर टैलेंट है तभी सफल होंगे और प्रतिभा ईश्वर की देन है। हर एक आदमी में, हर एक बच्चे में अलग अलग प्रतिभा होती है।
अपनी प्रतिभा को पहचानो, आप क्या कर सकते हो उस फील्ड में जाओ। जब तक जिंदगी है चलते रहो, रुक जाओगे तो जिंदगी रुक जाएगी। अच्छी बातें सीखो। ये शिक्षा दो प्रकार से होती है, जो हम स्कूल में लेते हैं फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरी शिक्षा जो हम अपने परिवार में अपने समाज में लेते हैं। अपने बुजुर्गों के पास बैठो, उनसे अच्छे संस्कार लो, उनसे अच्छी बातें सीखो। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर भींचावा की पूर्व सरपंच लच्छाराम राड ने सभी का आभार व्यक्त किया और फिर से नए संकल्प के साथ में आगे बढ़ने का आह्वान किया। आज ये जो समारोह है, ये जितने भी अध्यापकगण जो इस संस्था को चला रहे, उनको बाहर से पधार रहे हुए मेहमानों को तहे दिल से आपको आशीर्वाद धन्यवाद देता हूँ। इस समारोह का जो आयोजन करता थे वो आपको बता दिए, उन लोगों ने इस समारोह में योगदान किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम शाह। कार्यक्रम के आखिर में विधायक रूपाराम मुरावतिया ने शहीदों को समर्पित एक बहुत सुंदर कविता भी प्रस्तुत की। मेरे लिए ईश्वर देवता के बाद में अगर नंबर है या स्थान है मेरे जीवन में, तो मेरे फौजी भाइयों को देता हूँ। सुन दिखना दी बादली उतरा दे छेड़े दा, पीव जठरण मैं जू जे तू बाने हसबतड़ाए। सुन दिखना दी बादली के जे मारा छेल भवर ने नणदल रे होनी आर है, मायड़ आंगन हरस मनावे राम रसोई नार है। पाण यार तेरी ताली ले भी आज दुआर है, बुआ पालना पूत पढ़ावे जीण मरण न त्यार है, जीण मरण न त्यार है। मायड़ रो संदेशो की जे तू दाग लगाई ना, कहजे मारा इंगड़ू भरना चुड़िला न बिसराई ना। बाणारी राखी रो रेशम तार तार बिखराई ना, भुआरी भूलावण के जरण में पीठ दिखाई ना, तूरण में पीठ दिखाई ना। ओ, सुन दिखना दी बादली उतरा दे छेड़े जा, पीव जठरण में जूझे तू बाने हसबतड़ाए। सुन दिखना दी बादली। Divine philosophy of the world's greatest Jat culture, International Jat Parliament.